हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चेतन। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको भी जो फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स में नेटवर्क कनेक्शन एरर का प्रॉब्लम आ रहा, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से नेटवर्क कनेक्शन एरर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आफ्टर OB42 अपडेट करने के बाद। हाँ गाइस, आपको भी यहाँ पर जो है OB42 अपडेट करने के बाद यहाँ पर फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स में नेटवर्क कनेक्शन एरर का प्रॉब्लम आ रहा, तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल में आसानी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 सेटिंग बताने वाला हूं, वो सेटिंग आप अपने मोबाइल में अप्लाई करेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम यहां पर 100% सॉल्व हो जाने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो गाइस आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद गाइस यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको इस तरीके से निकाल देना है। इसके बाद गाइस यहां पर आपको क्या सेटिंग करनी है वो आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला तो हमारा सेटिंग आता है एरोप्लेन मोड। हाँ गाइस, आपको एरोप्लेन मोड है ना, इसको आपको इनेबल कर देना है, ऑन कर देना है। इससे आपका प्रॉब्लम वो यहाँ पर सॉल्व हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदों का इसी सेटिंग से यहाँ पर प्रॉब्लम वो यहाँ पर सॉल्व किया है। एरोप्लेन मोड को आपको ऑन करना है एंड गाइस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहने देना है। इसके बाद आपको एरोप्लेन मोड हटाना है। इसके बाद आपको गेम को ओपन करना है। ओपन है वो यहाँ पर हो जाएगा, नेटवर्क कनेक्शन एरर की प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दूसरी सेटिंग बता देता हूँ जो कि करनी है। दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स के ऊपर लॉन्ग टाइम आपको दबा के रखनी है जिसमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद आपके सामने आई वाला ऑप्शन मिलेगा ऐप इन्फो का, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड गाइस यहाँ पर जो है स्टोर जूसेस वाला ऑप्शन मिलेगा, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर कैच करना है ओनली। ओके, क्लियर कैच करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है एंड गाइस यहाँ पर आपको डेटा यूसेस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल है। यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड गाइस यहाँ पर आपको ए वाला ऑप्शन देखना है, बैकग्राउंड डेटा। दोस्तों, बैकग्राउंड डेटा आपके मोबाइल में मतलब ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑफ है, तो इसको इनेबल कर दीजिए। ओके, इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको बैक आना है। इसके बाद यहाँ पर आपको गेम ओपन करके देखना आपका प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। लेकिन गाइस फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन करना है। ओके, आपको सभी सेटिंग अप्लाई करके देखना है। तो सेटिंग में आ जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना होगा, सेटिंग में आ जाने के बाद DNS। दोस्तों, यहाँ पर आपको DNS सर्च करना है एंड गाइस यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेट DNS का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट DNS को आपको ऑटो पे आपको सेलेक्ट कर देना है। ओके, तो मेरे मोबाइल में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में ऑलरेडी ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपको ऑटो सेलेक्ट कर देना है। ऑटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सारा सेटिंग अप्लाई करने के बाद, मैंने जो सेटिंग बताई जितने भी सेटिंग, सारे सेटिंग अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको अपने डिवाइस को रिबूट करना है, पावर ऑफ करके पावर ऑन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको गेम ओपन करके ट्राई करना है। आपका प्रॉब्लम है यहाँ पर 100% सॉल्व हो गया होगा, नेटवर्क कनेक्शन एरर वाला प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया होगा। OB42 अपडेट करने के बाद आपका प्रॉब्लम आ रहा था, तो इस तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। मेरा लोडिंग भी हो चुका है एंड गाइस यहाँ पर दिखाऊंगा कि मेरा ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, आपका भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को कोई भी यहाँ पर जो है नेटवर्क कनेक्शन एरर की प्रॉब्लम हो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली। मैंने जो जितने भी सेटिंग बताई वो आप अपने मोबाइल में करते हैं ना तो आपका प्रॉब्लम हो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा नेटवर्क कनेक्शन एरर वाला। तो गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना। था चलो अगले वीडियो मिलते थे गाइस, बाय बाय।